जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक संस्थान में। आज हम बात करें मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, आपका कैसा रहेगा दिन, समय आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप 8126476399 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 कॉल मत कीजिएगा, हमेशा से सभी को बोलती हूँ, फिर भी लोग बहुत कॉल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैसेज छोड़ना है व्हाट्सअप पे, चाहे आप ईमेल से छोड़िए, व्हाट्सअप से छोड़िए, यूट्यूब से छोड़िए, चाहे जैसे भी छोड़िए। और हाँ, एक और बात मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि यदि आपको कोई समस्या है तो समस्या आप मुझे व्हाट्सअप पे लिखो ना, आप खुलेआम क्यों लिखते हैं, ये बात आज तक तो मेरे समझ में नहीं आई है कि जब मैं अपने हर चैनल पे हर बार बोलती हूँ कि व्हाट्सअप कीजिए 8126476399 पे, तो उसके बाद भी लड़की लिख देगी कि मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, मैडम लिख देंगी कि मेरा पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया मैं क्या करूँ, कोई लिख देगा कि मेरी सास ने दुखी कर रखा है, कोई लिख देगा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई किसी और औरत के साथ। पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आप अपनी परेशानी को जग जाहिर क्यों करते हैं, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये सारी परेशानियाँ बहुत ही पर्सनल होती हैं और इसको आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और आप तो ढिंढोरा पीटते हैं यूट्यूब पे, और बढ़िया मज़ा तब आता है जब मैं किसी को कोई उपाय करने को बताती हूँ और वो उपाय करने के बाद यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिखाता है कि मैंने ये उपाय कर दिया, मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। अरे जब आपने ढिंढोरा पीट दिया है उपाय का, आपको पता होना चाहिए पूजा पाठ और उपाय सीक्रेट होते हैं, इसके साथ शेयर कभी शेयर नहीं करते हैं। तो जब आप उसका ढिंढोरा पीट देंगे तो वो फिर काम कैसे करेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो समस्या हो तो और सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, यूट्यूब पे ढूंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आपके साथ क्या घट रहा है, उसके लिए नंबर दिया है ना मैंने, आप उस पर छोड़ दीजिए। तो अब बात करेंगे हाँ मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, आपका दिन बहुत अच्छा है, 10 में से 10। स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वाहिक जीवन, पाँचों के पाँचों आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका दिन अच्छा जाएगा और आपकी जो भी खराबियां थी वो सब ठीक हो जाएंगी, आप बढ़िया रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से दिल अच्छा है आपका, और किसी मनोरंजन स्थान पर भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको मुनाफा होगा, चाहे वो रियल इस्टेट हो चाहे कोई शेयर मार्केट हो। ज्ञान की वजह से आपका बहुत लोग सराहेंगे, नए दोस्त बन सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। प्रेम विवाह के लिए भी टाइम अच्छा है, यदि आप किसी प्यार करते हैं तो उसे प्रपोज भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई नई दोस्त आपकी बन जाए या कोई नया दोस्त आपका बन जाए, आपको सराहना मिलेगी। अचानक से आपको कोई लाभ मिल सकता है, हो सकता है आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी खुल जाए, कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हो उसमें आपको ज़्यादा फायदा हो जाए, या कोई आपको गिफ्ट के रूप में कोई सामान दे दे। काफ़ी अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी योजना सोचते हैं, जो गहराई से सोच रखी है, उसे करना चाहते हैं तो पूरी होगा। पति पत्नी के साथ रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुल मिला के मुझे तो आपका टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो गूंगे बहरे कोढ़ी टाइप के जो लोग होते हैं उनको कुछ खिला दीजिएगा, इससे आपका दिन और भी अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए रेमेडी है बेस्ट। बाकी भगवान शिव और भगवान गणपति, भगवान शिव परिवार की पूजा कीजिए, शिव जी को शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, शिव नाम लीजिए, आपका दिन अच्छा होगा। उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।